हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मातृशक्ति और बेटियों को मेरा नमस्कार। मैं अरुणा सरपंच प्रियंका का। अब पहले बेटियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं सरपंच बनी हूँ तो मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ किया, मुझे फ्रीडम दिया कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ अपनी लाइफ में। तो उसके लिए मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी फैमिली इतनी एजुकेटेड है, समझदार है कि अपनी बेटियों को इतना आगे बढ़ाने की सोच रखती है। तो मैं आप सभी सभी से कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी बच्चियों को मौका दें, क्योंकि वो सिर्फ एक मौका, उस मौके की तलाश में होती है कि घर वाले हमें वो मौका दें और हम वो चीज़ कर पाए आगे। तो लड़कियाँ देश मतलब पूरे क्षेत्र में, आज बताओ, आज आप सब लोग देख रहे हो कि कहाँ पर लड़कियों का नाम नहीं है, हर जगह हर क्षेत्र में लड़कियों का नाम है और लड़कों से ज़्यादा। फिर भी समाज में ये देखने को मिलता है कि लड़कियाँ ना के बराबर है, लड़कियाँ होते ही ऐसे मुंह बन जाते हैं। मैं अब सरपंच बनी हूँ, गाँव में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती है और ऐसे केस भी आए हैं मेरे पास, तो मैं इतनी कम उम्र में उन चीज़ों को डील करती हूँ, समझती हूँ। फिर भी मैं महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूँ, चाहे उनकी सिचुएशन कैसी भी हो, मैं उनका साथ देती हूँ, सपोर्ट करती हूँ कि आगे उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये बेटी ना होने का रीज़न भी एक हम लोगों की सोच होती है कि लड़की नहीं लड़का ही चाहिए, क्यों लड़की क्या नहीं कर सकती। अब मैं इस पद पे हूँ तो ये गौरव मेरे गांव का, मेरे समाज का, मेरी फैमिली का, मेरे पापा का, उस पद को मैं और आगे ले जा रही हूँ। तो आप मतलब एक महिला शक्ति, एक महिला सशक्तिकरण का ही काम है और इस महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए जो ये युवा जागृति संस्थान है जो इतना अच्छा काम कर रही है, मैं असल में सिर्फ दो लाइनों में ये कहूँ कि महिला सशक्तिकरण को पर ही गोकुल जी युवा जागृति संस्थान और इनके पूरे स्टाफ ने दिया है और हमको पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।